एकेडमी के एम्बेडेड सिस्टम ट्यूटोरियल में मैं इस्माइल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। ये ट्यूटोरियल इनपुट पिन को एक्सेस करने के बारे में होगा। हम इस ट्यूटोरियल में डिजिटल इनपुट पिन को यूज़ करना सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखिए, मैंने सिमुलेटर रेडी करके रखा है और डेटा शीट देख लेते हैं कौन से पिन को हम यूज़ करने वाले हैं। हम RA0 को यूज़ करेंगे, जिसके अंदर एनालॉग, ये एनालॉग इनपुट पिन भी एसोसिएटेड है, एनालॉग इनपुट पिन भी है। ठीक है, तो हम पहले ये देखते हैं कि इनपुट, डिजिटल इनपुट को एक्सेस करने के लिए कौन से रजिस्टर्स को एक्सेस करना होगा। ठीक है, तो पोर्ट ए में आएंगे, आईओ पिन पोर्ट ए। पोर्ट ए में जिस तरीके से आप देख सकते हैं, एक पोर्ट ए रजिस्टर है, एक ट्राई स्टेट रजिस्टर, पोर्ट ए का ट्राई स्टेट रजिस्टर, और थर्ड जो है वो एनालॉग सिलेक्ट रजिस्टर है। तो एनालॉग सिलेक्ट रजिस्टर से हम ये सिलेक्ट करते हैं कि वो पिन एनालॉग, वो डिजिटल पिन होगा या एनालॉग पिन होगा। ठीक है, तो जैसे ये देखिए, हम एनालॉग पिन को यूज़ करेंगे। ये कोडिंग का है, ये लास्ट टाइम का कोड से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पिछली बार की से ही हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हम जीरो अगर लिखेंगे तो, हम अगर जीरो लिखते हैं तो वो डिजिटल इनपुट पिन होता है, तो यहाँ पर हम जीरो लिख देंगे। उसके बाद ट्रेस रजिस्टर्स की बारी है। ट्राई स्टेट रजिस्टर में हम इसे इनपुट कॉन्फ़िगर करेंगे। इनपुट कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें 1 लिखना होगा। अब बाकी रजिस्टर्स हमारे तैयार हैं, अब हमें सिर्फ लॉजिक लिखना है। ठीक है, हमारा लॉजिक ये होगा कि हम ये बटन प्रेस करेंगे। जब भी हम ये बटन प्रेस करते हैं तो ये RA0 पिन पर ग्राउंड फ्लो होता है। तो हम ये देखेंगे, जब बटन हम प्रेस करेंगे तो LED ग्लो होना चाहिए, और जब बटन हम छोड़ देते हैं तो LED ग्लो होना बंद होना चाहिए। ठीक है, अभी ये जो स्विच का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो यहाँ पर मैंने एक्टिव लो के हिसाब से रखा है। आप देख सकते हैं कि ये एक्टिव लो है, आप देखेंगे कि ये एक्टिव लो है। जैसे मैं बटन दबाता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट में यहाँ पर 5 वोल्ट है, ये रेड इंडिकेट करता है 5 वोल्ट और ब्लू इंडिकेट करता है ग्राउंड। तो जब मैं बटन प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ग्राउंड आ जाता है, और उसके अलावा यहाँ पर रेड दिखाता है, मतलब 5 वोल्ट है। ठीक है, स्विच के लिए हमें, स्विच कॉन्फिगर करने के लिए हमें लगभग यही तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है जब सिंगल स्विच यूज़ कर रहे हैं। तो हमें, हम एक पुल अप रजिस्टर लगाएंगे 4K7 पर। ठीक है, और स्विच के पैरेलल में हम एक शॉक एब्जॉर्ब करने के लिए 1.4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर लगा देंगे। तो ये क्या होगा कि ये शॉक्स को, डीबाउंसिंग्स को रोकेगा। ठीक है, अभी ये तो है कि पुल अप बटन के पुल अप कॉन्फ़िगरेशन, हम इसका बटन के पुल डाउन कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। वो इस तरीके का होगा, सॉरी, बस यहाँ पर सिर्फ चेंजेस ये होंगे कि ये जो है हम 5 वोल्ट को नीचे लगा दें, अगर या फिर डिज़ाइन करने के टाइम पर हम लोग उस पर ध्यान देना होगा हमें। अगर हम पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, देखिए, ठीक है, तो जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम बटन प्रेस करते हैं तो ये पिन पर ब्लू आता है, यानी 0 वोल्ट आता है, इस तरीके से यहाँ पर वाई डिफ़ॉल्ट में ब्लू आता है, और जब हम बटन प्रेस करेंगे तो ये रेड हो जाता है। ये देखिए, ये रेड हो जाता है अच्छा बटन छोड़ेंगे तो ये एक्टिव हाई के लिए बटन को डिज़ाइन करना हुआ।
ठीक है, फिलहाल हम इसके बारे में नहीं है, हमारा मोटिव ये नहीं है। तो फिर हम कोड का लॉजिक लिखेंगे। हमारा लॉजिक ये होगा कि जब हम बटन प्रेस करेंगे तो एलईडी ग्लो होना चाहिए, ये एलईडी ग्लो होना चाहिए, और जब बटन छोड़ेंगे तो एलईडी बंद हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग इफ कंडीशन इस्तेमाल करेंगे। और हाँ, सॉफ्टवेयर के अंदर भी डिबाउंसिंग की प्रोविजन रखना होगा हमें, क्योंकि समटाइम्स जो डिबाउंसिंग जो प्रोड्यूस होता है वो कैपेसिटर की कैपेसिटी के बियॉन्ड भी हो सकता है। तो हमें एक सेफ साइड में सॉफ्टवेयर में भी डिबाउंसिंग को कंसिडर करना होगा। इसके लिए हम लिखेंगे इफ आर ए ज़ीरो इक्वल टू, अगर वो ज़ीरो हुआ तो, क्योंकि बाय डिफॉल्ट में वन आ रहा है वहाँ पर, तो हम इधर इसको ज़ीरो लिखेंगे। उसके बाद एक डिले लेंगे इसको करीब करीब 10 मिली सेकेंड का, और उसके बाद ये एक्चुअली इससे कम भी रखा जा सकता है, 1 मिली सेकेंड का भी रखा जा सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ लॉजिक। और फिर वापस से उसको चेक करेंगे आर ए ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो के लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा कि जब फर्स्ट टाइम वो ये सेंस, जब फर्स्ट टाइम जब भी ये सेंस होगा कि बटन प्रेस हुआ है, तो एक 10 मिली सेकेंड का डिले होगा, और उसके बाद वापस से वो ये चेक किया जाएगा कि वो बटन प्रेस है या नहीं है। नॉर्मली हम जब बटन प्रेस करते हैं 10 मिली सेकेंड से पहले हम नहीं छोड़ते बटन को, तो नहीं छूटता है हमारे से बटन। 10 मिली सेकेंड बहुत छोटा था टाइम था। तो जब दोबारा वो देखेगा कि बटन वो पिन के ऊपर अगर ग्राउंड सेंस हो रहा है, तो वो कंसिडर कर लेगा कि बटन प्रेस हुआ है। तो वो टाइम पर हम इसको आर सी ज़ीरो इक्वल टू वन कर लेंगे, ठीक है। और एल्स कंडीशन भी लिखना होगा ताकि वो बंद हो जाए। एल्स में अगर ये फर्स्ट टाइम चेक करेगा और डिले के बाद अगर वो बटन नहीं प्रेस हुआ रहेगा, बटन छूट गया हुआ रहेगा, तो यहाँ पर हम इसको आर सी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं और चेक करते हैं हमारे सिमुलेशन को बिल्ड किया। ओके, सक्सेस हो गया। यहाँ पर घड़ी घड़ी हमें हेक्स फाइल नहीं दिखाना होता, ये इसी वक्त का है। ओके, ये देखिए मैंने स्टार्ट किया सिमुलेशन स्टार्ट हो गया। यहाँ पर टाइम किसे मालूम पड़ता है कि हमें सिमुलेशन स्टार्ट हो गया, और ये इंडिकेशन भी आ जाती है। मैं बटन प्रेस करता हूँ, एलईडी ग्लो होती है और एलईडी चले जाती है, ग्लो होते हैं। हम इसको ऑसिलोस्कोप पे भी देख सकते हैं, लास्ट टाइम जो ऑसिलोस्कोप लगाए थे हमने। ये ऑसिलोस्कोप में यहाँ से वर्चुअल टर्मिनल मोड में मिलता है, इंस्ट्रूमेंट में पहला ऑसिलोस्कोप है, लॉजिकल एनालाइजर वगैरह है, तो हम यहाँ से इसको लेकर आते हैं। अभी हम वेव फॉर्म्स भी देखेंगे और एलईडी को भी देखेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि एलईडी भी ग्लो हो रही है, जब हम बटन प्रेस करते हैं तो एलईडी ग्लो होती है, और हम वेव फॉर्म भी देख रहे हैं। ये जो ब्लू वाला है ये स्विच का है, और ये जो है हमने यहाँ से उठाया येलो वाला, ये देख रहे हैं यहाँ से येलो वाला, ये एलईडी के क्रॉस में, ठीक है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो थम्स अप दीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सजेशंस के बारे में कमेंट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल एनालॉग इनपुट के बारे में होगा, और एनालॉग इनपुट को एलसीडी के ऊपर देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।